जब लाइव शो में चिराग कोटवाल से पूछा गया कि आखिर क्या रीजन है कि आपका रिजेक्शन हो जाता है जब भी आप प्रपोज करते हैं तो आप रिजेक्ट हो जाते हैं, जी हाँ, तनुजा जी उनसे पूछते हैं और चिराग बोलते हैं कि भाई इसमें मेरी क्या गलती है, मैं जब भी किसी को प्रपोज करता हूं तो सामने से रिजेक्शन आ जाता है, लेकिन यहां पर सभी हंसते हुए दिखाई देते हैं। और फिर तनुजा जी बोलते हैं काव्या को कि भाई काव्या आपने कोई रीज़न नहीं दिया कि आखिर आपने क्यों रिजेक्ट किया, तो सभी एक्साइटेड हो जाते हैं सुनने के लिए कि अब काव्या है वो क्या बोलेंगे। तो दो मिनट सोचने के बाद काव्या बोलती है कि भाई मुझे चिराग से एक फ्रेंड वाली वाइब आती है, इसलिए मैंने रिजेक्ट किया था, मैं उनको एक फ्रेंड ही मानती हूँ। तो ये चीज़ देखकर कोटवाल साहब हैं थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं और उनके चेहरे पर वो साफ साफ नज़र आता है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ अभी भी फेक लग रही है और जो अरुदीप में देखा जाता था रियल वो चीज़ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन काफ़ी लोग इसको बिल्कुल रियल मान रहे हैं और सभी जानते भी है कि ये सब फेक चीजें करवाई जाती है सोनी टीवी की तरफ से टीआरपी के लिए। इसके बाद नेहा कक्कड़ बोलती है कि भाई फ्रेंड ही तो प्यार होता है, तो ऐसा डायलॉग वो मारती है जिससे सभी हंसने लग जाते हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं एक चीज यहां पे सामने निकल के आ रही है कि सभी डायलॉग है सबको दिए जाते हैं, चाहे वो तनुजा जी है उनको पहले बोला गया है मेकर्स की तरफ से, सभी डायलॉग फिक्स कर लिए जाते हैं कि कौन क्या बोलेगा, ताकि वो चीज़ें क्रिएट की जाती है जिससे लोगों में इंटरेस्ट बढ़े ये सब देखने का और कहीं ना कहीं लोगों को वो सब चीज़ें रियल दिखाई दे। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे, ये लव स्टोरी है फेक है या फिर ये रियल है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके साथ साथ कल होगा एलिमिनेशन, जी हाँ, कल कोई एक है वो एलिमिनेट हो जाएगा और हम कल ही आपको सुबह ही आपको बता देंगे कि आखिर कौन है वो एलिमिनेट हुआ है। तो बस कल तक का वेट करना है, हम आप तक अपडेट देंगे। फिलहाल आपको काव्या और चिराग की लव स्टोरी कैसी लगी, और गाते बहुत अच्छा है दोनों, उसमें कोई भी शक नहीं है कि दोनों अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, चिराग तो बेस्ट गाते हैं और नंबर 3 पर वोट रैंकिंग में इस बार रहे हैं। लेकिन फिलहाल आप क्या कहेंगे इनकी लव स्टोरी के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं कुछ ही देर में चिराग काव्या की नई अपडेट, पवनदीप अरुणिता की नई अपडेट और इंडियन आइडल 13 की नई अपडेट के साथ।